है और ऑटो में है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे चालू है। फिर अगर इसको टाइमर हटा देते हैं फिर इसको ही स्टार्ट करेंगे तो आप लोग देखेंगे दूसरा जो है रन हो गया। और एनओ यूज कर रहा है तो आप लोगों को पता है ये ऊपर आएगा तो हमारा क्या होगा रन होगा, नीचे जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। अगर एनसी यूज कर रहा है तो क्या होगा नीचे जाएगा तो ऑन होगा इक्विपमेंट, ऊपर रहेगा तो जो है आएगा। जैसे जो है टाइम हमारा होगा ये मैनुअल हम लोग घुमा रहे हैं, अगर टाइमर सेट रहेगा तो टाइम के हिसाब से घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। फिर जैसे जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ऊपर है थोड़ा सा और बाकी है तो दूसरा जो होगा चालू होगा दूसरा। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक मैकेनिकल टाइमर स्विच है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका सेटिंग कैसे करते हैं, ये कहाँ पे यूज किया जाता है और यहाँ पे जो यूज़ है मैं आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसका सेटिंग लेके ऑटो मैनुअल हम लोग पूरा जो प्रोसेस है इसके बारे में वायरिंग वगैरह जो है मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आप लोग को इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल जाए। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल स्विच टाइमर इसलिए है कि इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे ये जो है मैकेनिकली ये घूमता रहता है, जैसे हम लोग इसमें पावर देंगे तो ये घूमता रहता है और जैसे जो है घूमता है ये जो है हमारा टाइम के हिसाब से घूमता है। जितना टाइम हम लोग रखेंगे सेटिंग उसी टाइम पे ये जो है जब इसमें पावर हम लोग डालेंगे तो ये घूमता रहता है 24 घंटा। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 24 घंटा एक से लेके 24 घंटा और ये क्लॉक वाइज घूमता है। तो जिस टाइम पे हम लोग को इसमें सेटिंग करना पड़ता है, जिस टाइम पे हम लोग चाहेंगे उस टाइम में इसका टाइमर का सेटिंग करके क्या करते हैं हम लोग किसी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ कराते हैं। ये स्विच है क्या होता है एनओ एनसी देता है हम लोग को, एक टाइम पर क्या देता है एनओ एनसी देता है, इसमें दोनों रहता है एनओ एनसी देता है, जैसे रिक्वायरमेंट होता है हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो मोस्टली जो है अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए या बहुत से किसी इक्विपमेंट को हम लोग टाइम के हिसाब से ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे जो है दो पंप लगा है, दोनों को जो है बारी बारी से चलाने के लिए उस टाइम पे जो है हम लोग एक पंप को चलाएंगे फिर दूसरा टाइम पे दूसरा पंप को चलाएंगे तो उसके लिए यूज किया जा रहा है। तो ये कहीं कहीं पे क्या होता है कि लाइट होता है, अगर मान लीजिए हम लोग को लाइट कोई नाइट खाली चलाना है तो वहाँ पे क्या करेंगे इसका सेटिंग कर देंगे जो है नाइट में सिर्फ चले डे में बंद हो जाए या दो घंटा चले फिर दो घंटा के बाद बंद हो जाए तो वहाँ पे भी ये यूज किया जाता है। एन सी एन ओ इसमें रहेगा, मैं आप लोग को सेटिंग बताऊँगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सा जो है इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो है कैसे ऑपरेट करते हैं सेटिंग करते हैं फिर उसका जो है वायरिंग वगैरह जो है हम लोग देख लेंगे। पहले जो है हम लोग इसका वायरिंग देख लेंगे, वायरिंग करने के बाद मैं आप लोग को इसका सेटिंग जो है बताऊंगा। तो वायरिंग में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टर्मिनल जो है ऊपर का आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है आप लोग देखें ये क्लॉक जो है मैकेनिकल इसमें मोटर लगा रहता है वही जो घूमता है और उसी के हिसाब से क्या होता है कि ये यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक जो है एरो आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये एरो पे सब जो है हमारा ये घूम घूम के ऐसे जो है ये घूमता है तो ये डायल घूमता है। अगर आप लोग देखेंगे मैं आप लोग को इसको घुमाता हूँ तो ये जो है घूमता है यहाँ से, अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है घुमाने पे थोड़ा स्पीड इसमें जो है टाइम का डिफरेंस जो है आप लोग देखेंगे एक एक घंटा है, आधा आधा घंटा इसमें छोटा वाला है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक है फिर दो है, इसके बीच में रखेंगे तो आधा घंटा है, 30-30 मिनट का सेटिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग जो है कंपनी का जो है ये रहता है। तो आप लोग देखें अभी पहले यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया तो इस टाइम में जितना इसमें टाइम होगा आप लोग देखेंगे यहाँ पे कितना है 23 है, 23 23:30 है यानी 11:30 बजे रात का है तो ये घूम के आ गया तो ये घूमता रहता है। तो उसको जो है घुमाने के लिए ये डायल को घुमाने के लिए यहाँ पे जो है हम लोग को पावर सप्लाई देना पड़ता है। पावर सप्लाई देने के लिए अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें पावर का ये एक और जीरो जो है ये फेज है एक न्यूट्रल है, तो इसमें चार नंबर में क्या है फेज डाला जा रहा है 240 और पाँच नंबर जो है जीरो वोल्ट यानी न्यूट्रल डाला जा रहा है। तो ये जो है मेन इसको ऑन करने के लिए डायल के लिए ये यूज किया जा रहा है। फिर इसमें जो है ये अगर आप लोग देखेंगे एक नंबर जो है कॉमन इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं जो भी हमारा कंट्रोलिंग में सप्लाई यूज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है हम लोग पंप को ऑन ऑफ करने के लिए जो कंट्रोल का वायरिंग जो है 24 वोल्ट या 12 वोल्ट और या हम लोग क्या कर सकते हैं 220 वोल्ट 40 वोल्ट जो भी है यहाँ पे देंगे वही जो है हमारा 3 नंबर और 4 नंबर से निकलेगा। तो ये कॉमन का सप्लाई इसमें हम लोग देते हैं और उसके बाद में 2 नंबर जो है एनओ होता है, 3 नंबर जो है एनसी होता है। तो 2 नंबर एनओ होता है यानी जब इसमें क्या होगा कि एनओ का मतलब क्या है नॉर्मली ओपन, एनसी का मतलब क्या है नॉर्मली जो है क्लोज। तो ये हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सेटिंग इसी के हिसाब से जो है हम लोग क्या करते हैं इसमें डायल में जो है सेटिंग करते हैं। अगर हम लोग को एनओ यूज करना है यानी 6 नंबर तो 6 नंबर यूज करना है तो क्या करेंगे, अगर ये आप लोग येलो देखेंगे ऊपर है और यहाँ पे ये येलो जो है आप लोग देख सकते हैं नीचे गया है,
तो वहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे येलो जो है ऊपर है, ये जो है नीचे है, ये ब्लू जो है आप लोग देखेंगे यहाँ तक ये नीचे है और येलो जो है ऊपर है। तो एनओ लेना है, यानी 6 नंबर हमारा आउटपुट कब होगा, एनओ जो होगा एनसी कब होगा, जब ये ऊपर रहेगा तो, और ये जो है नीचे जाएगा तो एनओ जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एनओ ही रहेगा। मतलब कि ये नीचे अगर हम लोग करते हैं तो ये 6 नंबर से हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा, जब ये जो है ऊपर रहेगा तब जो है मिलेगा। यानी हमारा 6 नंबर से आउट कब मिलेगा, जब ये ऊपर रहेगा। तो नीचे जो हमारा इसमें डीप स्विच, अगर ये आप लोग देख सकते हैं बटन जो है नीचे जाएगा तो हमारा आउटपुट वहाँ से नहीं मिलेगा। अगर वहीं जो है 10 नंबर आप लोग देखेंगे, ये 3 नंबर जो है इसमें 3 नंबर अगर हम लोग यूज करते हैं तो 3 नंबर का एनसी रहता है नॉर्मली, यानी क्लोज रहता है। यानी जो है 3 नंबर में आउटपुट कब मिलेगा, जब नीचे रहेगा। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये जो है बटन ऊपर रहेगा तो यहाँ से 2 नंबर से आउटपुट होगा, अगर बटन नीचे रहेगा तो 10 नंबर से जो है आउटपुट मिलेगा। मैं आप लोग को दिखाऊंगा पंप को चालू करके प्रैक्टिकल, तो आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। तो ये हो गया काम करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कमांड डालते हैं और 6 नंबर और 10 नंबर जो भी हम लोग यूज करते हैं उसी के हिसाब से यहाँ से हम लोग सेटिंग करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप लोग को नॉर्मली क्या करना है कि लाइट को ऑन करना है, कोई लाइट है उसको ऑन करना है, तो यहाँ से अगर एनओ ले रहे हैं एक, इसमें जो है यहाँ पे 2 पंप को ऑन ऑफ कराया जा रहा है, क्या हो रहा है बारी बारी से चला जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कनेक्शन हुआ है। अगर मान लीजिए आपको कोई लाइट है या एक ही पंप है या कोई भी इक्विपमेंट है जिसको ऑन ऑफ कराना है, तो यहाँ पे 1 नंबर में कॉमन डाल के 2 नंबर से एनओ ले लेंगे। तो एनओ लेने के बाद क्या करेंगे कि जिस टाइम पे जो पंप को ऑफ करना है उसका ये बटन को हम लोग नीचे प्रेस कर देंगे उस टाइम में, यहाँ पे टाइम जो है, और जिस टाइम में ऑन करना है उसको ऊपर कर देंगे। सिंपल सा है, तो हमारा यहाँ से जो है आउटपुट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए वहीं जो है हम लोग लाइट या किसी पंप या किसी भी इक्विपमेंट को अगर हम लोग को ऑन कराना है किसके थ्रू, अगर हम लोग यहाँ से एनसी के थ्रू ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर, तो 3 नंबर अगर आउटपुट कब देगा कि जिस टाइम में हम लोग को ऑन करना है उस टाइम में इसको नीचे दबाएंगे और जिस टाइम में ऑफ करना है उसको ऊपर दबा देंगे, ऊपर कर देंगे। तो ये सेम उल्टा होता है। तो ये जो है आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग कहीं भी जाएंगे तो सिंपल सा आप लोग को जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे जो है आप लोग को करना पड़ेगा, यहाँ से जो है सेटिंग करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि मान लीजिए कैसे इसका सेटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं जो है इसको घुमा लेता हूँ, अभी जो है आप लोग देख सकते हैं 23:30 जो है, यानी 11:30 बजे है। मैं आपको घुमा के सेटिंग इसका करता हूँ, यहाँ से आप लोग देखेंगे मैं 1 बजे से लेके यहाँ पे मान लीजिए ये जो है घुमा लेता हूँ, ये क्लॉकवाइज ही घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसको नहीं घुमाते हैं। आप लोग देखेंगे ऐसे घुमाएंगे तो नहीं घूमेगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 1:30 पे हो गया, तो मैं 2 बजे इसको सेटिंग कर देता हूँ। ये जो है आप लोग देख सकते हैं घूम रहा है, तो 2 बजे जो है अगर आप लोग देखेंगे ये लगभग आ गया है, थोड़ा सा जो है पीछे है, इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 बजे इसका सेटिंग हो गया। तो 2 बजे मान लीजिए ये जो है करेंट टाइम जो है उसी के हिसाब से चलता है। इसमें क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए अभी जो है 2 बज रहा है, तो यहाँ पे अगर आप लोग को चालू करना है तो 2 बजे का सेटिंग करना पड़ेगा। यानी 2 बजे से यहाँ पे करेंट टाइम हम लोग को डालना पड़ता है। उसके बाद में मान लीजिए 2 बजे, अभी 2 बज रहा है तो 2 बजे हम लोग डाल दिए और इसको ऊपर कर दिए। मान लीजिए ये कलर से हम लोग को कुछ नहीं करना है, कलर जो है ये उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कलर जो है यहाँ पे कभी कभी क्या होता है सेम ही कलर आता है, कहीं कहीं पे जो है आप लोग को अलग अलग कलर मिल जाता है, तो कलर से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 बजे आप लोग देख सकते हैं इसको जो है ऊपर कर लिए, ये जो है आप लोग देख सकते हैं 2 बजे ऑन हो रहा है। और 2 बजे से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग कहाँ तक 10 बजे तक चालू कर रहे हैं। ये जो है 2 बजे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये चालू हो रहा है और ये 10 बजे तक चालू हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ़ हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए इसको जो है हम लोग ऑफ़ कर दे रहे हैं, कब तक ऑफ़ कर दे रहे हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे 6 बजे शाम में हम लोग ऑफ़ कर दे रहे हैं। यानी 2 बजे से हम लोग चला रहे हैं और इसको 10 बजे तक चलाएंगे, फिर 6 बजे तक ऑफ़ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 9 बजे तक ऑन कर रहे हैं, उसके बाद फिर ऑफ हो रहा है। ऐसा इसका सेटिंग हो गया। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसे जो है सेटिंग हो गया इसका, ये बंद है, फिर ये ऊपर है, फिर ऊपर है, फिर चालू है, फिर यहाँ पे बंद है। तो अभी जो है इसमें ये ऑन कब होगा, मान लीजिए इसमें 2 पंप है, तो ये जो है ऊपर जो है इस पर 6 नंबर, यहाँ से 3 नंबर आउट होगा। जब बंद होगा
तो यहाँ पे आप लोग देखें इस टाइम में अगर क्या होगा कि दूसरा पंप चलेगा, यानी एक जब ऊपर रहेगा तो एक पंप चलेगा, जो नीचे रहेगा इस पर दूसरा पंप चलेगा, यानी इसमें कभी भी पंप बंद नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि दोनों पंप में से एक पंप जो होगा वो कंटिन्यू चलेगा, कभी भी पंप बंद नहीं होगा। नीचे जाएगा तो दूसरा पंप चलेगा, ऊपर रहेगा तो दूसरा पंप चलेगा। तो ये जो है इसका फंक्शन है। अगर वहीं जो है आप लोग एक एक इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करा रहे हैं तो जैसे आप लोग सेटिंग करेंगे, ऊपर वाला अगर एन सी लेंगे तो मैं आप लोग को बताया, एन ओ लेंगे तो आप लोग को बताया कि कैसे होगा। तो उस टाइम में क्या होगा कि अगर नीचे करेंगे तो या ऊपर करेंगे तो वही एक ही फंक्शन करेगा। नीचे में बंद रहेगा तो ऊपर वाला में चालू होगा, अगर नीचे चालू रहेगा तो ऊपर वाला में बंद रहेगा, ऐसे इसका सेटिंग होता है। और दूसरा जो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब सेटिंग इसका करते हैं तो सेम एक्यूरेट टाइम जो है ला के यहाँ पे रखते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे हम लोग दो पे रखे हैं, इसको मान लीजिए अभी जो है चेंज करना है, जो करेंट टाइम है हमारा 3 बज रहा है, यहाँ पे रख लिए 3, अब जो है 3 बजे रख लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये घूमेगा तो यहाँ पे जो है मान लीजिए एक पंप है, 3 बजे चालू हो जाएगा लगभग, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम है तो 3 बजे चालू होगा तो दूसरा 10 बजे बंद होगा, यानी फिर ये घूम के जब यहाँ आएगा तो दूसरा चालू होगा। तो एक्यूरेट टाइम डालना पड़ता है, और जो टाइम रहता है प्रेजेंट टाइम हम लोग को यहाँ पर डालना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग खाली सेटिंग करते हैं कि किस टाइम पे ऑन ऑफ करना है, लेकिन एक्यूरेट जो प्रेजेंट टाइम हमारे घड़ी में होता है वो टाइम यहाँ पर रखते हैं, उसी के हिसाब से ये घूमता है, ये सेम घड़ी की तरह घूमता है। जैसे आप लोग घड़ी में सेटिंग करते हैं कि आप लोग को घड़ी का सेटिंग जो है मान लीजिए उसका टाइम ख़राब हो गया, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि जब भी उसका सेटिंग करते हैं तो प्रेजेंट टाइम डालते हैं, तो उसी टाइम को यहाँ पे डाल के इसके सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है जिस टाइम ऑन करना है, जिस टाइम ऑफ करना है, उसका सेटिंग करना पड़ेगा। ये जो है इसका मेन फंक्शन होता है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक जो है बटन है, तो एल यहाँ पर लिखा है घड़ी जैसा आप लोग देख सकते हैं, तो ये टाइमर पर सेट है। अगर इधर हम लोग कर देते हैं तो ये ऑफ, ये जो होगा हमारा ऑन हो जाएगा, ये जो है मैनुअल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इधर कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ओ में डाला हुआ है, इधर ऑन है तो मैनुअल डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। अगर टाइमर हमारा ये डायल ख़राब है या किसी कारण से हम लोग को मैनुअल चलाना है तो इधर डाल के चला सकते हैं। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है टाइमर है, तो ये आप लोग को मैं वो भी दिखाऊँगा सिंपल सा ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये अभी ये आप लोग देख लिए, मैं आप लोग को जो है इसका जो है पहले जो हमारा पंप है इसको हम लोग चला लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमसीपी जो है पावर ऑन कर लिए। अभी जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ऊपर एक जो है ब्लू वाला है आप लोग देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। ये ऑलरेडी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो 3 पे है, तो हमारा ऊपर है यानी 1 नंबर पंप जो है यहाँ तक चलना चाहिए। तो मैं आप लोग को घुमा के दिखाऊँगा कि 1 नंबर यहाँ पर चल रहा है, फिर 2 नंबर जो है नीचे चलना चाहिए, उसका सेटिंग जो है मैं आप लोग को बताया। तो अभी जो है ये ऑटो में हम लोग डालेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर जो है रन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है रन हो रहा है। तो इसको जो है हम लोग घुमाएंगे, अभी जो है मैं इसको घुमा देता हूँ, आप लोग देखेंगे ये जो है टाइमर घुमा रहा हूँ, तो दूसरा जो है आएगा जैसे जो है टाइम हमारा होगा। ये मैनुअल हम लोग घुमा रहे हैं, अगर टाइमर सेट रहेगा तो टाइम के हिसाब से घूमता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। फिर जैसे जो है अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी ऊपर है, थोड़ा सा और बाकी है, तो दूसरा जो होगा चालू होगा, दूसरा जैसे यहाँ से जाएगा तो दूसरा जलेगा। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे बचा हुआ है, उसके बाद जो है दूसरा चालू हो जाएगा। जैसे इसका जो है टाइम ख़त्म होगा तो यहाँ पे लास्ट ही चल रहा है। आप लोग देखिए ये जो है बंद हो गया, ये जो है पंप बंद हो गया। दूसरा को जो है मैं आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑटो में है, तो इसको ऑफ करके रखा था, ये ऑटो में है आप लोग देख सकते हैं, तो इसको ऑन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ऑन हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है ऑन हो गया। तो जैसे जो है यहाँ पे जो है मैं इसको घुमा लेता हूँ, फिर मैनुअल जो है मैं इसको घुमाता हूँ, आप लोग देखेंगे अभी जो है ये थोड़ा टाइम में बंद होने वाला है क्योंकि लास्ट ही चल रहा है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे अभी भी नीचे है, ये ब्लू वाला जो है ये ऊपर है, तो फिर जो है मैं आपको घुमा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी इसका टाइम जो है यहाँ पे ब्लू पे है, और ये जो है 2 नंबर आप लोग देख सकते हैं चल रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये येलो पे है यानी नीचे पे है, तो 2 नंबर चल रहा है। अभी जो है थोड़ा सा मैं घुमाऊँगा तो 1 नंबर जो है आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा मैं घुमा लेता हूँ, आप लोग देखें दूसरा जो है आप लोग देख सकते हैं दूसरा जो है चालू हो गया, वो बंद हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये जो है चालू हो गया, तो ये ऑटो में है। तो ऐसे जो है ये काम कर रहा है, बहुत ही आसान है।
आप लोग देख लिए इसका सेटिंग जो है कैसे हुआ है और कैसे ये जो है काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ये काम कैसे करेगा, टाइमर में जो है टाइमर रहेगा, तो टाइमर भी रहेगा, तो इसमें आप लोग देखेंगे दोनों एक टाइम पे कोई ना कोई उसमें चलता रहेगा, दोनों में से एक चलेगा कंटिन्यू इसमें चल रहा है। टाइमर भी रहेगा तो इसका सेटिंग किया रहेगा, अगर टाइमर भी नहीं है तो इसमें अगर हम लोग चाहेंगे कि पंप को बंद करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप लोग देखिए यहाँ से दो लगाया हुआ है, दोनों एक NONC यूज किया जा रहा है, तो अगर ऑफ़ करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, एक पंप चलेगा, ऑन करेंगे तब भी एक पंप चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसमें दोनों यूज किया जा रहा है, अगर इसमें से एक आप लोग यूज करेंगे वहाँ पे जो है अगर ऑफ़ करते हैं तो हमारा इसमें दोनों में एक साइड अगर करेंगे तो हमारा इक्विपमेंट ऑफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर इधर करेंगे तो चलेगा, फिर इधर करेंगे तभी चलेगा, क्योंकि इसमें NONC है। अगर हम लोग इधर करेंगे तो एक जो है हमारा जो NO है वो NC हो जाएगा, अगर वहीं जो है इधर करेंगे तो जो इसमें NC है वो NO हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें NO 6 नंबर है, तो अगर हम लोग ऑफ़ करेंगे तो NC हो जाएगा, उल्टा कॉन्टेक्ट हो जाता है चेंज, तो अगर हम लोग ऑफ़ पे करेंगे तो एक नंबर चल जाएगा, और वहीं जो है NC 10 नंबर यहाँ से तीन नंबर जो है 10 नंबर जा रहा है, जो तीन नंबर यहाँ पे जो है अगर इसमें क्या है कि NC है, तो NC अगर हम लोग इसको ऑन करते हैं तो ये NO हो जाएगा। तो सिंपल सा इसको भी अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे दो नंबर में 6 नंबर गया है, यानी पहला पंप दो नंबर से है, तो दो नंबर में अगर NO है तो हम लोग अगर इधर ऑफ पे करेंगे तो NC होगा, यहाँ ऑफ करेंगे तो हमारा एक जो पंप होगा वो चालू रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन, ये जो है ऑन है और ऑटो में है, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे चालू है। फिर अगर इसको टाइमर हटा देते हैं, फिर इसको इस साइड करेंगे तो आप लोग देखेंगे दूसरा जो है रन हो गया ऑटो में, तो ये जो है सिंपल सा है। यहाँ पे भी अगर कंडक्टर आप लोग देखेंगे ये जो है ऑफ़ है, ये ऑन है, तो सिंपल सा अगर टाइमर पर रखेंगे टाइमर के हिसाब से होगा, और इसको ऑफ़ करेंगे तभी एक चलेगा। आप लोग देख सकते हैं अभी जो है ये टाइमर जो है, ये हमारा कंडक्टर जो है ये एनर्जाइज हो गया, यानी अभी जो है एक नंबर चल गया, जैसे हम लोग चेंज करेंगे ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे NONC दोनों यूज किया गया है। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग यहाँ से जो है कर सकते हैं, ये सब चीज़ जो है आप लोग को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इसमें पूरा डिटेल से पता चल गया होगा कि आप लोग कहीं भी जाएंगे अगर जैसे आप लोग को यूज करना है वैसे यूज कर सकते हैं, वैसे आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। सिंपल सा है, वायरिंग आप लोग देख लिए क्या है कि एक के कॉमन है, NO है, NC है, इसमें जो है पावर डाला हुआ है, सेटिंग आप लोग को पता चल गया। अगर एक इक्विपमेंट में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर NO यूज कर रहे हैं तो आप लोग को पता है ये ऊपर आएगा तो हमारा क्या होगा रन होगा, नीचे जाएगा तो ऑफ हो जाएगा। अगर NC यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो ऑन होगा इक्विपमेंट, ऊपर रहेगा तो ऑफ हो जाएगा। और टाइमिंग सेटिंग आप लोग देख लिए कि यहाँ पे जो है जो प्रेजेंट टाइम रहता है वहाँ यहाँ पे हम लोग ले जाकर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 6 बज रहा है तो हम लोग 6 यहाँ पे रखेंगे तभी ये घूमते घूमते सेम टाइम पे जाके हमारा ऑन होगा। तो प्रेजेंट टाइम जैसे घड़ी का सेटिंग होता है वैसे होता है, ये क्लॉक वाइज घूमता है, ये आप लोग को पता चल गया। ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, यही जो है मेन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो टाइमर है इसके बारे में आप लोग को फुल डिटेल से पता चला होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।